आमिर खान की पहली पत्नी का नाम रीना दत्ता है, जिन्हें शायद आपने फिल्म कयामत से कयामत तक में एक छोटे से रोल में देखा होगा। आमिर और रीना की शादी 18 अप्रैल 1986 को हुई थी। रीना से आमिर के दो बच्चे हैं, जुनेद और बेटी इरा। इन दोनों की लव स्टोरी भी काफी पॉपुलर हुई थी। आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि जिस वक्त आमिर ने रीना से शादी की थी उस वक्त उनकी उम्र 21 साल और रीना की 20 साल थी। दोनों ने घर से भागकर शादी की थी। ये लव स्टोरी ऐसी थी कि इन पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनाई जा सकती है, लेकिन आपको बता दें कि इस रिश्ते की उम्र मात्र 16 साल ही थी। साल 2002 में आमिर ने रीना से डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया था। आप अगर उस समय रीना की तस्वीरें देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि वो काफी खूबसूरत थी, लेकिन अब वो मोटी हो गई है। रीना से तलाक लेने के बाद आमिर खान ने 28 दिसंबर 2005 को किरण राव से शादी कर ली थी। बता दें कि फिल्म लगान की शूटिंग के दौरान किरण राव फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की असिस्टेंट डायरेक्टर थी। शादी के 6 साल बाद आमिर ने अपने और किरण के बेटे आजाद राव खान के जन्म की अनाउंसमेंट की थी, जो कि एक सरोगेट मदर की मदद से जन्मा था। BOD न्यूज की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।